हेलो एवरीवन, आज है 20 जनवरी और आज इस वीडियो में हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो काफ़ी ट्रस्टेबल शेयर्स हैं और उसके जो रिज़ल्ट जो आए हैं इस बार वो भी काफ़ी जानदार रिज़ल्ट है। तो रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया है और स्टॉक भी काफ़ी बढ़िया स्टॉक्स हैं जो आपको आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न देने का पूरा पोटेंशियल रखता है। तो चलिए देखते हैं। तो नाम है HDFC बैंक। जी हाँ, हाल फिलहाल ये 2130 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मेरी तरफ से इस बैंक में बाइंग कब से है, जब से ये शेयर 1700 से 1800 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और अभी इसके नतीजे आ चुके हैं और नतीजे बहुत ही बढ़िया हैं HDFC के। और इसको देखने के बाद आप भी मानेंगे कि डेफिनेटली अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई अच्छा और बड़ा बैंक है तो वो HDFC का नाम उसमें सबसे पहले क्यों आता है। तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अगर HDFC बैंक के पिछले एक हफ्ते की अगर मैं बात करूँ तो पिछले एक हफ्ते में HDFC बैंक में 0.90% का ग्रोथ है। 2100 रुपये का लो बना है और 2131 रुपये का हाई इसने बनाया था। एक महीने की बात करें तो एक महीने में 0.25% की गिरावट है। 2084 रुपीस का लो है और 2150 रुपए के आसपास का हाई बना है। आप चार्ट देखिए, मतलब जब जब गिरावट आई तब इसने बाउंस बैक जरूर किया है, मतलब पैसा कहीं आपका डुबाया नहीं है। पिछले एक साल की बात करें तो 10% का रिटर्न दिया है इसने। 1834 रुपए का लो है और 2203 रुपए का इसने हाई बनाया था। पिछले 3 साल की अगर हम बात करें HDFC बैंक में तो 107% का ग्रोथ है। और देखिए आप, 946 रुपीस का लो बनाया था और 2203 रुपए का इसने हाई बनाया है। अब चार्ट देखिए, ऊपर ही ऊपर उठता हुआ चार्ट है। तो ऐसे शेयर्स आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं। अगर पिछले 10 साल का अगर डेटा में हम यहाँ पे निकाले तो देखिए 10 साल में 1000% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 159 रुपीज़ का लो है और 2203 रुपये का हाई है। चार्ट अगेन आप देख लीजिए, ऊपर ही ऊपर उठता हुआ इसका चार्ट है। तो डेफिनेटली काफ़ी प्रॉमिसिंग है ये बैंक। और मार्केट कैप देखिए, लार्ज कैप स्टॉक है, मार्केट कैप 5,80,000 करोड़। NSE में 13,000 से भी सॉरी 13 लाख से भी ज़्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। और जो नतीजे आए हैं दिसंबर के वो आप देखिए, सारे के सारे आपको ग्रीन में ही दिख रहे हैं। इंटरेस्ट अर्निंग की बात करें तो दिसंबर 2017 में जो 20,581 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न था वो सितंबर 2018 में इंक्रीज होके 24,200 करोड़ के आसपास का रहा और दिसंबर 2018 में अगेन 25,890 करोड़ का इंटरेस्ट अर्निंग है। मतलब ऑलमोस्ट 7% का ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आप देखिए 13% का ग्रोथ और है। नेट NPS भी 0.02% का ग्रोथ है और ग्रोस NPA भी 0.05% का ग्रोथ है। और प्रॉफिट आप देखिए, नेट प्रॉफिट आप देखिए, दिसंबर 2017 में जो 4,640 करोड़ का नेट प्रॉफिट था वो सितंबर 2018 में इंक्रीज होके 5,005 करोड़ के आसपास का रहा और दिसंबर 2018 में 5,585 करोड़। मतलब ऑलमोस्ट 11.5% का नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 26.54% की होल्डिंग है, FIIs के पास 38.07% की होल्डिंग है और म्यूचुअल फंड के पास 12.95% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 2.72% की होल्डिंग है। नॉन इन्वेस्टर के पास 18.60% की होल्डिंग है और प्रमोटर्स के एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 43 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपना पैसा लगाया, 1174 FIIs ने इसमें अपना पैसा लगाया और डिविडेंड भी बढ़िया पे कर रहा है। पर शेयर 13 रुपये का डिविडेंड आपको पे कर रहा है। अब HDFC में अगर हम एज अ मनी कंट्रोल में जाए तो आप देखेंगे कि 67% लोग बाइंग के लिए कह रहे हैं, 33% लोग इसमें सेल के लिए बोल रहे हैं। और इसका अगर हम देखें फाइनेंशियल रिपोर्ट तो देखिए कर्जा तो है तकरीबन 9,11,000 करोड़ का कर्जा है इनके ऊपर, लेकिन टोटल असेट्स भी आप देखेंगे तो तकरीबन 10,63,000 करोड़ के टोटल असेट्स है इनके पास। और
क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं और जो बैंक होते हैं और फाइनेंशियल कंपनियाज होती है उनके ऊपर कर्जा तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन काफ़ी इतना अच्छा परफॉर्मेंस होने के बाद शायद हम उसको थोड़ा सा निग्लेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखिए, आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल ने, इक्विटी ने, इसमें तकरीबन तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख शेयर्स की इसमें लगाए हैं। एसबीआई में भी आप देखेंगे तो 2 करोड़ 10 लाख शेयर्स आपको देंगे, कोटक में भी तकरीबन 90 लाख है, एसबीआई ईटीएफ सेंसेक्स भी तकरीबन 80 लाख के आसपास है। तो बहुत ही बढ़िया ये शेयर है और रिजल्ट इसे काफ़ी बढ़िया आया है, डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है, एक भी प्रमोटर्स के एक भी शेयर इसमें गिरवी नहीं है, और चार्ट भी आप देखिए पिछले 10 साल का ऊपर ही ऊपर उठता हुआ चार्ट है, बढ़िया रिजल्ट है, बढ़िया नतीजे हैं। तो मेरी तरफ से डेफिनेटली भी मैं इसमें कहूंगा कि अगेन आप इसमें बाई कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं, आपका पैसा डूबेगा नहीं और आपको अच्छा डिविडेंड भी पे करेगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।